अस्सलाम वालेकुम हबीबी, चाहे आप सैयद हो, शेख हो, इमन हो या पठान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान। फिर चाहे आप बुजुर्ग हो या जवान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। रेडी? अच्छा, शहर से कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा, बाबू भाई बताएंगे आप? कचरा उठाने के बाद भी मुमरा में डंपिंग के लिए जगह नहीं है। वीडियो दिखाऊं क्या आपको? अमृत नगर का, कौसा का, बहुत से लोग वीडियो भेजे, अभी वहाँ से कचरा नहीं उठाया गया है। अरे गाड़ी आएगी, ठीक है, कचरा कौन उठाएगा? वो मुमरा शहर लावारी से। भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि मुमरा कौसा में करीब 4 से 5 दिनों से ये चल रहा है कि कहीं कचरा उठाया जा रहा है तो कहीं से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में अमृत नगर का इलाका हो गया या फिर कौसा हो गया या फिर मुमरा रेलवे स्टेशन के पास का इलाका हो गया, वहाँ पर जो है कचरे ऐसे पड़े हुए हैं और लोग काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं कि आखिर कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं मुमरा के मित्तल पर, मित्तल ग्राउंड में। देखेंगे आप, यहाँ पर भी कचरे का डंप किया जा रहा है और पूरे शहर से, अमृत नगर से और कौसा से ऐसे तमाम लोग जो है वीडियो वगैरह भेज रहे हैं कि भाई 3 से 4 दिन हो गया है यहाँ से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, आखिर क्यों नहीं उठाया जा रहा है, क्या पूरा मामला है। जो अभिषेक कंस्ट्रक्शन है उसका भी बताया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर बापू मखरे हैं, उनसे बात करेंगे। बापू भाई क्या बताएंगे आप, यहाँ पर जो है घूम जाता था हमें, क्या इधर डंपिंग नहीं करत नहीं मैडम, कलेक्शन कर, कलेक्शन कर तो कुणाला विचार, या ज्या गाड्या आहेत ना आता तुम्ही फोटो काढा डंपिंगचे, तुम्ही ऑफिसला जाला साहेबांनी तुम्हाला। यहाँ पर मित्तल में कचरा जो है डाला जा रहा था, वन विभाग के जो है कुछ अधिकारी भी है। बापू भाई क्या मामला है पूरा बताइए ना। ये जो यहाँ पे कलेक्शन करके यहाँ से उठाया जाता है, मगर गाड़ी जो खाली होने गई वो आए नहीं, हम यहाँ डंपिंग करते नहीं है। ये जो कचरा है, ये जो जगह है, मित्तल में यहाँ डंप किया जा रहा है, वन विभाग के अधिकारी भी हैं। हाँ, तो हम डंपिंग नहीं कर रहे, हम कलेक्शन करके लेके जा रहे हैं। जो गाड़ियाँ भर के गई वो आई नहीं है। अच्छा, अभी जीसी भी खड़ा है उससे भरते हम लोग। अच्छा, शहर से कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा, बाबू भाई बताएंगे आप? बाबू भाई कचरा शहर से क्यों नहीं उठाया जा रहा, वो तो बताइए, लोग परेशान है, गलियों में कचरा भरा हुआ है। डंपिंग का जो गाड़ी खाली होने गया वो आ रहा नहीं है, इसके लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है, तो आखिर लोग खामियाजा क्यों भुगते, लोग खामियाजा क्यों भुगते जो है गलियों में कचरा भरा है, लोग परेशान है ना। तो आप भाई आप एक मैं देखा, ये देखेंगे आपकी मित्तल में भी कचरा डंप किया जा रहा है और यहाँ पर कुछ वन विभाग के जो है कर्मचारी है, जो वन विभाग के लोग यहाँ पर एतराज जता रहे हैं, बात करेंगे। मैडम कचरा भी नहीं उठाया जा रहा है 4-5 दिन से, ऐसा लोग परेशान हैं। ये मेरे को अभी सब मालूम पड़ रहा है, लेकिन कचरा क्या है बताया, कचरा उठाने के बाद भी, पब्लिक को मैं बता रही हूँ, कचरा उठाने के बाद भी मुमरा में डंपिंग के लिए जगह नहीं है, कचरे की हालत बहुत ख़राब है, मतलब जितना हम कचरा बना के उसको फेंकते हैं ना उससे भी बुरी हालत इधर है। आके देखो, अभी भी नहीं उठाया जा रखा है, 3-4 दिन से लोग परेशान, बहुत बुरी बात है। सामने कंप्लेंट करूँगी, क्यों नहीं उठाया जा रहा है? डंपिंग जाम है, डंपिंग को जगह नहीं है, मुमरा शहर लावारिस है, ये कचरे के लिए तो लावारिस बना दी है। कब तक उठेगा आप बताएंगे बाबू? ये 2 दिन में खत्म कर देंगे, 2 दिन में, 4 दिन से तो वैसे ही लोग परेशान है। गाड़ी आएंगे तो उठा लेंगे आप। आप बोले सुबह गाड़ी गई, अभी रिटर्न आई नहीं। आएंगे ना, 2 बजने वाला आएगी गाड़ी, अभी आएगी, आएगा और मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा गाड़ी का, गाड़ी भरते का। अरे गाड़ी आएगी, ठीक है, कचरा कौन उठाएगा वो बताइए। वही ना, जिसी भी खड़ा है तो उठा लेंगे। अरे वहाँ से अमृत नगर का वीडियो दिखाऊँ क्या आपको? अमृत नगर का, कौसा का, बहुत से लोग वीडियो भेजे, अभी वहाँ से कचरा नहीं उठाया गया है, उठा लेंगे। आप देखेंगे कि बापू मखरे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो है कचरा है वो उठाया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर मित्तल में देखेंगे आपकी मित्तल में ये कचरा डंप किया जा रहा था,
और यहाँ से उठाकर जो है लेकर फिर भंडारली के लिए आगे जहाँ भी कचरा डालते हैं वो लेके जाया जा रहा था। हालांकि भंडारली में भी बताया जा रहा है कि कचरा जहाँ डाला जाता था वो भी लगभग अब भर चुका है। इसके अलावा डाय घर के पास में कहीं जो है कचरा डालने का प्रोसेस शुरू होने वाला था लेकिन वहाँ भी लोग जो है ऐतराज़ जता रहे हैं। तो जो मुंब्रा शहर से कचरा निकलता है उसको डालने को लेकर जो है काफ़ी जो है लोग लेकर जाने के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और उसी वजह से मित्तल में डंप किया जा रहा था। लेकिन अब देखेंगे कि जो यहाँ पर वन विभाग के लोग आए थे वो भी एतराज़ जता रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं।